ओके जी, वेलकम टू उर्दू क्लास। दिस इज़ योर उर्दू क्लास। आप सब अपनी नीट नोटबुक्स निकाल लें और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ हरूफ़ तहज्जी की छोटी अशकाल। लास्ट टाइम या लास्ट क्लास में हमने अलिफ़ से ज़ोए तक की थी। पहले मैंने आपको अलिफ़ से खे तक करवा दी, फिर दाल से ज़ोए तक करवाई थी, फिर अलिफ़ से लेकर ज़ोए तक करवा दी थी। आज हम ऐन से करेंगे, ठीक है? कहाँ से करने वाले हैं? ऐन से बड़ी ए तक करने वाले हैं। समझ आ गई? चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से काम को देखिएगा क्योंकि छोटी अशकाल आपको बहुत ज़्यादा आगे जाकर इनका फ़ायदा है और इनका काम आगे जाके हमें पता चलने वाला है। अच्छा जी, हरूफ तहज्जी छोटी अशकाल ऐन ता बड़ी ये। बेटा ऐन जब आप लिखते हैं तो ऐन का मुंह ऊपर होता है और उसका पेट नीचे से आता है, लेकिन हम जब छोटी शक्ल में ऐन को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे ऊपर ही देखेगा ऐन, छोटा सा मुंह बनाए ऐसे और ये ऐसे, बस बहुत आसान है। देखें, सिर्फ मुंह बनाना है, पेट शेट कुछ नहीं बनाना। ऐसे हल्का सा मुंह ऊपर की तरफ, फिर आपने रोक देना है। इसी तरह गैन, सी ये गैन है। एन गैन में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, एन और ये गैन। डन। जो लोग नहीं लिख रहे, बाद में लिखना चाहते हैं तो बाद में लिख लें, जो अभी लिख रहे हैं वो अभी लिखते जाएं। एन गैन के साथ एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे फे, फे की लिखेंगे छोटी शक्ल। कैसे? छोटा सा मुंह बनाएं और बस यूं लाइन के ऊपर ये देख लें। अब इसके साथ दो नुक्तों वाला काफ, वो भी इसी तरह छोटा सा मुंह बनाए और लाइन के ऊपर वाव की तरह होता है, ठीक है? ये फे काफ कैंची वाला। अब कश वाला काफ, वो कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये देखिए। आप जब बड़ा काफ लिखते हैं तो यहाँ भी एक लाइन बनाते हैं ना? नहीं, इसमें यहाँ लाइन ना बनाएं, बस यहाँ तक लाकर रोक दें। कश वाला काफ की छोटी शक्ल दो हैं, एक तो ये और एक इस तरह। देखें, सी बनाएं, उल्टा सी और यहाँ से एक लाइन निकाल दें, बस। फिर है गाफ, दूसरी लाइन में लिखेंगे इसी तरह काफ की तरह, बस यहाँ रोक दें, एक कश दूसरा कश। समझ आ गई? और इसकी भी दो छोटी अशकाल हैं, उल्टा सी साथ में एक कश और एक कश छोटा, ये जैसे ये काफ और इसकी छोटी शक्ल, इसी तरह ये इसकी भी दो छोटी शक्ल। एन गैन फे काफ गाफ, फिर है अच्छा, फिर है हमारे पास लाम। लाम कैसे आते हैं? लाम ऊपर से लाएंगे और यहाँ लाइन के ऊपर रे की तरह, लेकिन ये वाली जगह लंबी, बस ये लाम की छोटी शक्ल है, एक साइड से लंबा एक साइड से छोटा। मीम, मीम का मुंह थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ होगा और ऐसे मीम नीचे देख रहा है। फिर नून, नून आपने बिल्कुल बे की तरह लिखना है ऐसे, लेकिन ऊपर नुक्ता। नून के बाद वाव आता है, वाव की कोई छोटी शक्ल नहीं है, ठीक है? इसलिए वाव को अगर ना भी लिखें तो खैर है, तो आप वाव को छोड़ दें। वाव के बाद हे आता है, हे की छोटी शक्ल भी बिल्कुल बे की तरह, ये देखें ऐसे नीचे एक कुंडा बनाना है आपने। नून और हे,
हमजा की कोई छोटी शक्ल नहीं है इसलिए उसे मत लिखें। उसके बाद नून वाव है, हमजा छोटी है और बड़ी है, छोटी और बड़ी है कि बेटा एक ही जैसी शक्ल है, बे की तरह। ये देखें, ये इन तीनों की छोटी शक्लें नून है। एक सेकेंड, ये देखें नून है और ये की एक ही जैसी शक्लें हैं, बस नुक्ते का और कुंडे का फ़र्क है। ये हमने कर लिया। मैं इनके साथ एक बार दोबारा आपको लिख के बता रही हूँ। एन को एक बार आप भी दो दो दफ़ा लिख लें, एन को एक बार दोबारा लिखें। एन गैन डन फे काफ, दो दो दफा लिख लें तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये वाला काफ, कश वाला सी बनाए और यहां से कश निकाल लें। गाफ एक कश बड़ा एक कश छोटा सी बनाए। फिर जी है लाम, मीम, नून तो बहुत आसान है, नून की छोटी शक्ल नून। वाव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो उसकी छोटी शक्ल है ही नहीं। हे ये देख ले, ये आज का काम है। स्क्रीनशॉट किसी को चाहिए तो यहाँ से प्लीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए स्टिल कर दिया इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, ठीक है। ओके थैंक यू। जी सना, सम्मी के घर से मैसेज आया कि ये लिटरेचर है या